गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन फॉर द क्लास 10 अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लुसियो रॉड्रिग्यूज एंड इट इज अ पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो बेकर कौन होता है? ब्रेड बनाने वाला। तो यहाँ पर गोवा के एक बेकर की स्टोरी है कि वहाँ पर बेकर्स का क्या रोल गोवा में रहा। This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in the society. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक traditional परंपरा से जुड़ा हुआ पारंपरिक कह सकते हैं कि गोवा के गांव के विलेज के बेकर की ये स्टोरी है कि वो आज भी बेकर्स जो है हमारे गोवा में अपना एक इम्पोर्टेंट अपनी एक इम्पोर्टेंट जगह रखते हैं। अब कैसे? Our elders are often heard, हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा हमने अपने पूर्वजों के द्वारा सुना है कि वो अपने दिनों को याद करते हुए बताते हैं पुराने पोर्चुगीज डेज के उस समय जब पोर्चुगीज डेज थे तो कैसे चल रहे थे। पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, पोर्चुगीज और उनके फेमस ब्रेड। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड, अब वो खाने वाले ब्रेड को खाने वाले तो ख़त्म हो गए हैं लेकिन बनाने वाले आज भी वहीं हैं। वी स्टिल हैव अमंग्स अस द मिक्सचर द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, आज भी हमारे बीच में वो मिक्सर्स हैं मोल्डर्स हैं जिनसे ब्रेड बनाई जाती थी। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, समय के पहिए जैसे समय का चक्र चलता है तो समय के चक्र के हिसाब से सब कुछ बहुत कुछ चेंज हो गया लेकिन वो बेकर्स आज भी हैं, फर्नेसेस भी हैं भट्टियाँ। द फायर ऑफ द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, जो पुराने ज़माने के बेकर्स थे वो सुबह सुबह आते थे और किस तरीके से आते थे कि अपने बैम्बू से थर्ड जमीन पर मारकर इशारा किया करते थे सबको कि बेकर आ गया है और साथ में जिंगलिंग उनके पास घंटी होती थी बजा कर बताते थे बेकर सुबह सुबह आ जाते थे। एंड कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और आज भी कुछ जगहों पर उनके बारे में उनका महत्व देखा जा सकता है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, पुराने ज़माने के जो बेकर्स थे वो फादर्स तो शायद नहीं हो लेकिन उनके बच्चे आज भी हैं और वो उस प्रोफेशन को आज भी चला रहे हैं। ये बेकर्स जो है इनको गोवा में पेडर कहा जाता है। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, जब हम छोटे थे बच्चे थे तो बचपन में बेकर क्या करते थे, बेकर हमारे फ्रेंड कंपेनियन और गाइड की तरह रहा करते थे। वो एक दिन में दो बार आया करते थे, पहले तो जब सुबह होती थी बेचने आया करते थे और जब वो वापस जा रहे होते थे अपनी ह्यूज बास्केट को खाली करके तो हमारी मुलाकात उनसे दो बार होती थी। जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वो कब फ्रॉम स्लीप, जब वो अपनी जिंगलिंग थर्ड जो घंटी बजाने की आवाज़ आती थी और बांस को बजाने की आवाज़ आती थी उससे हम जाग जाते थे और फिर हम उनसे ग्रीट करते थे गुड मॉर्निंग और उनसे मिलते थे। ऐसा क्यों होता था? वॉज इट फॉर द लव, क्या हमारे अंदर ब्रेड का लालच था? नहीं, ऐसा नहीं था। द रोज वर बॉट बाय सम बास्किंग और बास्टी मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, और जो लोब्स होते थे ब्रेड होते थे उनको खरीदने के लिए मेड सर्वेंट आया करती थी। हमारी जो इच्छाएं होती थी उन ब्रेड बैंगल्स की काफ़ी इच्छा होती थी जो हमारे परिवार वाले उसको चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड और स्पेशल मीट, कभी कभी वो स्पेशल ब्रेड भी लाया करते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झेंग झेंग साउंड ऑफ स्पेशली मेड बैम्बू स्टैक, जो बांस हुआ करता था बांस से वो म्यूजिकल एंट्री किया करते थे और आवाज़ आती थी झेंग झेंग झंग झंग। एक हाथ से तो बास्केट पकड़े हुए रहते थे अपने सिर पर रखी हुई और दूसरे हाथ से बैम्बू को जमीन पर बजाते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, और वो सुबह आते थे और गुड मॉर्निंग विश किया करते थे बेकर्स एंड देन प्लेस द बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और वर्टिकल बैम्बू के ऊपर बास्केट को रख दिया करते थे। हम जो बच्चे हुआ करते थे वी किड्स वुड बी पुश्ड
हमें घर वाले डांट कर अलग कर दिया करते थे कि अंदर ही रहने के लिए बोलते थे, और जो सर्वेंट हुआ करते थे वो ब्रेड को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन आज भी हम उन्हें भूले नहीं। वी वुड क्लाइम अ बेंच फॉर द पैरापेट, और हम जैसे हमें अंदर भगा भी दिया जाता था, हम आस नहीं छोड़ते थे। हम क्या करते थे, हम पैरापेट लेते थे, और पैरापेट यानी जैसे घर में अलमारी खिड़की होती है तो खिड़की में से छाँक के उसको देखा करते थे। हमें देखने में बहुत अच्छा लगता था। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स, उन ब्रेड की खुशबू मुझे आज भी याद आती है। एल्डर्स के लिए जो ब्रेड होती थी, बच्चों को घंटी की आवाज़ अच्छी लगती थी। देन वी डिड नॉट लोव्स फॉर एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। बैंगल्स यहाँ पर चूड़ी को बोला गया, चूड़ी की शेप में वो ब्रेड हुआ करती थी, और वो बड़ों के लिए तो ब्रेड है और हमारे लिए बैंगल्स। सॉरी, देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ, ना तो हम बिल्कुल ध्यान देते कि अपने टीथ साफ करने हैं या माउथ को धोना है। और हम ऐसा क्यों करते, क्यों? क्योंकि वैसे भी जो हम ब्रेड खाया करते थे वही हमारे लिए एक तरीके से टूथब्रश का काम करते थे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं था कि हम टूथ साफ करें, टीथ साफ करें। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, जैसे कि आपको पता है कि टाइगर कभी भी अपने टीथ ब्रश नहीं करता। सॉरी। हॉट टी कुड वॉश, अब जो हमारे अगर दांत साफ हो गए हैं अंदर से तो गर्म चाय है उससे ही साफ हो जाएंगे। क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर, पूरी तरह से वो साफ कर दिया करती है चाय। मैरिजेस गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, अब एक स्वीट बोल ब्रेड बनाई जाती थी जिसका नाम है बोल, और ये मैरिज में शादियों में गिफ्ट देने के लिए बनाई जाती थी। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, और बिना ब्रेड के, बिना के यहाँ पर क्या होता था, अगर ये ब्रेड नहीं होती थी तो पार्टी में अच्छा नहीं लगता था। पार्टी में ये ब्रेड बनाना इम्पोर्टेंट रहता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, अब इतना ही काफ़ी है समझने के लिए कि बेकर पुराने टाइम में कितना इम्पोर्टेंट हुआ करता था। घर की जो लेडी हुआ करती थी वो सैंडविचेस बनाया करती थी, कभी कभी ओकेजनली, कभी अपनी बेटी की इंगेजमेंट पर। केक्स एंड बोलिंग ने हाज आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, क्रिसमस और दूसरे त्योहारों के लिए केक्स बनते थे, बोलने हाज बनते थे। दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, इसलिए हम कह सकते हैं कि बेकर की भट्टी का गांव में होना इम्पोर्टेंट होता था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोस्ट डेज, उस समय जमाने के जो बेकर हुआ करते थे उनकी एक अलग ही ड्रेस हुआ करती थी जिसका नाम था कवाय, वो एक सिंगल लंबा सा कपड़ा हुआ करता था जो कि घुटनों तक होता था। अपने हमारे जो बचपन थे हमने बेकर्स को शर्ट पहने हुए देखा, ट्राउजर्स पहने हुए देखा था जो कि शॉर्ट हुआ करते थे, देन द फुल लेंथ वंस, पूरे लंबाई वाले नहीं हुआ करते थे, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, ना तो पूरी पैंट हुआ करती थी और ना ही हाफ पैंट हुआ करती थी, हाफ पैंट से ज़्यादा फुल पैंट से कम। और आज भी किसी न किसी को ऐसे हाफ पैंट पहने हुए देखा जा सकता है जो कि घुटनों तक होती है। और फिर यह याद आता है जैसे कि हमें पेड़ जो बेकर हुआ करते थे वो याद आ जाते हैं। बेकर महीने के एंड में अपने बिल कलेक्ट किया करते थे, जो भी महीने का अकाउंट हुआ करता था वो पेंसिल से लिख दिया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दो इन द ओल्ड डेज, पुराने टाइम में पुराने दिनों में बेकिंग का काम बहुत अच्छा हुआ करता था। बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखों नहीं मरती थी, ही इज फैमिली एंड सर्वेंट्स, वह उसका परिवार उसके नौकर हमेशा खुश नजर आते थे। देयर प्लम फिजिक वॉज एन, और वो थोड़े मोटे दिखते थे, पेट उनका बाहर निकला हुआ दिखता था, लंपी था। वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस, इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फूड लाइक फिजिकल अपीयरेंस
इज ईजली कंपेयर टू अ बेकर, कोई भी दूसरा मोटा व्यक्ति जो होगा उसको हम बेकर से कंपेयर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट वी कैन अंडरस्टैंड दैट द रोल ऑफ द बेकर इन गोवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वीडियो हैज बीन कंप्लीटेड एज वेल एज दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अनदर न्यू चैप्टर। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।